राम राम जी भाइयों। तो अभी मैं आ चुका हूँ हमारे खेत पे, जहाँ पर हमने सोयाबीन 11:95 बोई थी, जो कि भाई लेट आने वाली है ना वो। तो अभी मम्मी उन्होंने काट दिया, कल हम मंडी गए थे, बताया था मैंने कि मंडी गए थे, मम्मी ने काटा था कल। ये देखो भाई, बट ये ना 95-60 से बढ़कर एवरेज नहीं है। वैसे भाई फले भी बढ़िया है, वैसे देख सकते हो ये वाली, पर इतना कोई ज़ोरदार ज़्यादा वो नहीं है, मतलब फल देखते हो तो क्या होता है भाई। 2 बीघे में बोई थी, जो इसमें ना पहले पानी बहुत भरा था, बट अब नहीं भरा रहा है पानी, ऐसा सीन है ये। इधर देखो भाई है ना, जो कि हमारे खेत के अगल बगल इधर भी आग दिया, उधर नहीं आका, बट उधर भी हमारे जैसी सोयाबीन है भाई। कल मम्मी ने भाई बहुत काटी है, थोड़ी सी बच रही है DP के प्लान, आज काट देगी मम्मी, फिर हम भी इसको निकाल कर कई करेंगे भाई, क्योंकि इस बार पानी की बहुत ज़्यादा कमी है ना। Okay, अभी भाई पाइप को आगे पठार पे खाली कर दिया। तो भाई घर से निकलने के बाद में, पाइप रखने के बाद में आ चुके हैं अभी खेत पे। ये किधर खेत पे, यहाँ पे भाई थोड़ा आधे पाइप को खाली करना है, फिर और उधर आगे जाना है, तो चलो है ना फटाफट से खाली करते। तो भाई ये देखो है ना, तुम्हारा भाई यहाँ पानी को फेर रहा है भाई, क्योंकि खेती बाड़ी करना पड़ेगा ना यार अब। फाइनली दोस्तों भाई है ना, अपने पूरे के पूरी साधनियाँ फिर चुकी है पानी की, अब चलते हैं ना जो कि अपन घर पे, क्योंकि आज घर पे कोई नहीं, मम्मी गई है सोयाबीन काटने के लिए, हमारे जो लेट आने वाले सोयाबीन थी ना वो। तो भाई चलते हैं फटाफट से, मोटर बंद करते हैं। यहाँ पे चल रही थी स्क्वेयर से अपनी मोटर, और हाँ क्या ही बताओ भाई, देखो झरने दिखने लग गई, मतलब पूरा का पूरा देखो भाई, ये देखो दोस्तों भाई, आज है ना दिन भर तुम्हारे भाइयों की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आज है ना सभी मम्मी पापा दादाजी ये है ना सभी भाई खेत पे गए सोयाबीन काटने के लिए भाई है ना। तो भाई है ना अभी देखो, हमारे दूध देने वाली एक ये भैंस है और एक ये वाली है, इसे क्या हो रहा है, ओए चुप। चलो है ना भाई, भैंस ने एक बाल्टी पानी पिला, एक बाल्टी और बढ़ा कर देता हूँ, गर्मी भाई बहुत पड़ रही, देखो ये दोस्तों भाई आज घर पे रहने। तो भाई चलो ना फटाफट से भैंसों के लिए चारा काट लेते हैं, फटाफट से लाइट है अभी है ना, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी जा सकती है। चलो दोस्तों भाई भैंसों के लिए चारा काटते हैं अभी है ना, मैंने नाखून काटे थे तो इसको रखने के लिए आ रहा हूँ, और अभी भाई थोड़ी बहुत देर बाद है ना खेत पे जाएंगे सोयाबीन इकट्ठी करने के लिए। भाई गर्मी के मारे देखो हालत पूरी ख़राब हो गई भाई, फिर पानी नहीं गिर रहा था ना इस वजह से। ये आ चुके खेत पे सोयाबीन इकट्ठी करने के लिए तुम्हारा भाई ना, तो फटाफट से सोयाबीन इकट्ठी कर लेते, थोड़ी बहुत सूखी ना वो, कल परसों की नहीं उड़े वो कहीं भी। तो भाई ये बिचारी अपन ने मेटी है ना सोयाबीन इकट्ठी करेंगे, जो कि सूखी सूखी है ना वो वाले को। देखो तो यहाँ पे ना भेली कर दी इकट्ठी सोयाबीन, इधर ये यहाँ पे पूरी इधर से यहाँ तक। चलो भाई गट्टा बांध लेते फटाफट से, देखो इतनी कर दी मतलब एक बट। दोस्तों भाई है ना पूरी मतलब थोड़ी बहुत सोयाबीन इकट्ठी हो चुकी है, फटाफट से भाई घर पे चलते हैं, क्योंकि शाम हो चुकी है, वो थोड़ी आज काटी थी ना मम्मी ने इसलिए। चलो भाई पोटली ले चलते दादाजी की, ये रखिए भाई, व्लॉग अच्छे लगते तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, मिलते जल्दी न्यू ब्लॉग में ना।